A very good morning to all of you. Today we will learn about what is poultices and pestes. Okay, so first of all, pestes क्या होते हैं और poultices क्या होते हैं. तो first आता है आपका poultices. तो poultices soft, viscous और wet masses, solid substances होते हैं जिसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं. ओके, और वो एक फर्मेंटेशन एक्शन को प्रोड्यूस करता है जिससे हमको पेन से रिलीफ मिलता है और वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं. फर्मेंटेशन मीन्स वो सेकते हैं, मीन्स सेक के लिए एक सेक का एक्शन, मीन्स सेकते हैं वो, सेकने के लिए हम उसको पॉलिसीज को यूज करते हैं. ओके, जहाँ पर भी हमको पेन होता है वगैरह, ओके, तो उसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं स्किन पे. ओके, पॉलिसीज आर ऑल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म. और जो पॉलिसीज होते हैं उनको कैटाप्लाज्म भी बोलते हैं, मीन्स वो पॉलिसीज और या प्लास्टर, जैसे स्मॉल प्लास्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं. ओके, सो ये एक सॉफ्ट मॉइस्ट मास होता है जिसको हम स्प्रिट करते हैं क्लोथ पे और फिर देन हम इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट और डिजीज. एलिमेंट्स और डिसीज, वेरियस एलिमेंट्स और डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं. जैसे कि आर्थराइटिस होता है, ओके, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद इंसेक्ट बाइट्स होते हैं, ओके, कीड़े काट लेते वगैरह, उसके उसको भी ट्रीट करने के लिए हम पॉलिसीज को यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद रिलीफ फ्रॉम पेन, इसके लिए भी. उसके बाद इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करने के लिए, फिर इचिंग को, इचिंग से रिलीफ करने के लिए तब भी हम यूज़ करते हैं. फिर उसको मसल्स पेन को रिड्यूस करने के लिए, फिर उसके बाद मसल स्पाजम को रिड्यूस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम पॉलिसीज का यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आता है फिर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. ओके, सो जो बहुत सी टाइप्स होती है पॉलिसीज की, जैसे कि हम यूज़ करते होंगे घर में, हमारे यूज़ करते हैं हम अनियन पॉलिस, पोटैटो पॉलिस, ओके, टर्मरिक पॉलिस. टर्मरिक पॉलिसीज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी हमारे पाव वगैरह में अगर मोच आती है या फिर हमको स्वेलिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन होता है, तो हम जो होम मेड पॉलिस जो हम बनाते हैं वो हम यूज़ करते हैं. ज़्यादातर टर्मरिक हल्दी की जो पॉलिसीज होती है हम घर में बना लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं. मस्टर्ड पॉलिसीज, ये सब पॉलिसीज होती है जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, देन फिर उस पर एक क्लोथ रख देते हैं. ओके, क्लोथ उस पर ढक देते हैं तो एक जैसे कड़क फॉर्म हो जाता है, मीन्स प्लास्टर जैसे हो जाता है वो. ओके, नेक्स्ट आता है फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज. ओके, तो जैसे कि हम घर में, हम सभी को पता है कि हम घरेलू उपचार भी करते हैं, बहुत घरेलू उपचार भी करते हैं हम घरों में. ओके, तो उसमें हम पॉलिसीज बनाते हैं बट हमको पता नहीं होता कि हम ये बना रहे पॉलिसीज. ओके, सो जब भी हमको, मीन्स हमको पैर में मोच आती है या फिर हाथ हमारा सूज जाता है, तो हम टर्मरिक की जो पॉलिसीज, मीन्स उसका एक पेस्ट बनाते हैं. ओके, एक पेस्ट बनाते हैं उसका, फिर उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं. ओके, तो वो उसको हम पॉलिसीज कह सकते हैं. ओके, जैसे कि जो बजरंग लेप जो होता है उसको भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको, उसका एक पेस्ट बनाते हैं, उसको पेस्ट बनाते हैं, दिन फिर उसको स्किन पर अप्लाई करते हैं, दिन फिर कॉटन से उसको झाग देते हैं. ओके, कॉटन से या फिर क्लोथ से, कपड़े से, क्लीन क्लोथ से हम उसको स्प्रिट करते हैं उस पर. ओके, तो वो भी एक पॉलिसीज हो सकता है आपका. ओके, सो जो होम मेड पॉलिसीज होती है वो कैसी बनती है, कि जो भी पॉलिसीज होती है घर में, हम उसको मैशिंग जो मेथड होती है, मैशिंग मेथड, उसके थ्रू हम जो हर्ब्स होते हैं और जो प्लांट मटेरियल होते हैं या फिर जो भी अंदर सब्सटेंस होता है, ओके, उससे हम घर में पॉलिसीज को बना सकते हैं बाय यूजिंग मैशिंग मेथड. मीन्स जो भी पत्ते होते हैं, ओके, जो भी, मीन्स जो आयुर्वेदिक
उपचार होते हैं ज़्यादातर, वो इसी तरह से करते हैं। जो भी मीन्स हर्ब्स होते उनको पीस के, उनको कूट कर उनका एक पेस्ट बनाते हैं, उनका एक लेप बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे टर्मरिक आपको मैंने एक एग्जांपल दिया वो होती है, फिर दूसरी भी अंदर से सब्सटेंस होते हैं जिसको हम वाटर के साथ उसको हीट करके या उसका पेस्ट बना के या फिर ऑयल के साथ उसका एक पेस्ट बना के हम पॉलिशेस बनाते हैं घर में। ओके, देन फिर वो जो भी पेस्ट हम बनाते हैं उसको हम डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। ओके, देन फिर एक क्लीन क्लॉथ, कपड़े की विद द हेल्प ऑफ क्लीन क्लॉथ हम उसको कवर्ड कर देते हैं। ओके, और उसको कवर्ड कर देते हैं, तो ये होती है हमारी पॉलिशेस की फॉर्मेशन जो हम घर में बनाते हैं। ओके, होम मेड पॉलिशेस इसको हम बोलते हैं। ओके, तो हमारा पॉलिशेस जो है छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर जिसके बारे में हमको इतना डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ एक्चुअली पता होना चाहिए कि पॉलिशेस क्या है। ओके, इसको किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है पॉलिशेस की स्टोरेज कंडीशंस। ओके, तो पॉलिशेस जो होती है वो ग्लास और प्लास्टिक जार्स फिटेड और स्क्रू कैप्स विथ इम्परमीबल लाइनर्स और क्लोज फिटिंग स्लिप ऑन लीड्स, ऐसे टाइप की कंटेनर पे हम उसको सप्लाई करते हैं या उसके अंदर उसको हम फील्ड करते हैं। ओके, बट जो स्टोरेज कंडीशन जो होती है पॉलिशेस की वो कौन सी होती है कि उसको वेल क्लोज कर स्टोर, पॉलिशेस आर स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। ओके, तो पॉलिशेस को वेल क्लोज अच्छे से क्लोज कंटेनर के, जो अच्छे से क्लोज होता है कंटेनर उसके अंदर उसको रखते हैं। ओके, कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर को, मींस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, उसको वो रोके रखे। ओके, बाय ग्लिसरीन एंड लॉस ऑफ वोलेटाइल कंस्टेंट। ओके, वो मॉइस्चर को भी मतलब एब्जॉर्प्शन से उसको रोके रखे, और ग्लिसरीन जो होता है और जो वोलेटाइल कंस्टेंट होते हैं उसके अंदर उसका भी वो लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। ओके, तो ऐसे टाइप की कंटेनर के अंदर हमको पॉलिशेस रखना होता है। ओके, तो ये था सिंपली आपका पॉलिशेस, जिसके बारे में हमने देखा कि वो पॉलिशेस क्या होते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर आपके पेस्टेस। तो हम सभी को पता है क्या पेस्टेस और पेस्ट क्या होते हैं, हम उसको जनरली आमतौर पे हम घर में यूज़ करते हैं उसको, एज अ टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी पेस्टेस हम यूज़ करते हैं। ओके, पेन किलर के लिए। ओके, फिर उसके बाद डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए डैंड्रफ को, एंटी डैंड्रफ हम पेस्ट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एग्जेमा जो स्किन डिसऑर्डर होती है उसको हम ट्रीट करने के लिए पेस्टेस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद स्टरलाइजिंग इन्फेक्टेड रूट कैनल को हम ट्रीट करने के लिए पेस्टेस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद रिंग वॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के हम पेस्ट के लिए पेस्टेस का यूज़ करते हैं। फिर सोरासिस को, स्किन इन्फ्लामेशन को, स्किन इरीटेशन को ट्रीट करने के लिए हम पेस्टेस का यूज़ करते हैं। तो हम सभी को पता है कि पेस्टेस क्या होते हैं। ओके, तो पेस्टेस ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन्स पे, स्किन्स को ट्रीट करने के लिए। ओके, पेस्टेस जनरली थिक, वेरी थिक और स्टीफ प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हमको ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर जो भी हम प्लेस पर हम उसको मीन्स जो भी साइट पर हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, किसकी वजह से कि ये मेल्ट नहीं होते, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हमको एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमको एक प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पर। ओके, और ज़्यादातर ये एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं हम उसको। उसके बाद सूथिंग ड्रेसिंग्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो ये होते हैं पेस्टेस।
नेक्स्ट आते फिर टाइप्स ऑफ पेस्टेस की। तो पेस्टेस की बहुत सी टाइप्स हैं, ओके, जितनी हमको पता है वो हम डिस्कस करेंगे। पेस्टेस की जो टाइप्स है वो आती है आपकी, पहली जो टाइप्स आती है पेस्ट की वो आती है फैटी पेस्ट। फैटी पेस्ट जिसकी जो एग्जांपल है हमारे मार्केट में वो जिंक ऑक्साइड पेस्ट है। नेक्स्ट होता है फिर आपके पास, नेक्स्ट होता है आपकी एग्जांपल एक्वेस जेल पेस्ट, ओके। उसकी एग्जांपल जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो है सोडियम हाइड्रोक्सी मिथिल सेलुलस पेस्ट, और नेक्स्ट है टिटानियम डाई ऑक्साइड पेस्ट। ये एक्वस जेल पेस्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है फिर हाइड्रोकोलाइडल पेस्ट, ओके। तो ये जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है हाइड्रोकोलाइडल पेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टूथपेस्ट, ओके, ये एग्जांपल है। फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड जिलेटिन पेस्ट, ओके। तो ये सब पेस्टेस की टाइप्स है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर हम बेसिस यूज्ड फॉर पेस्टेस, मींस पेस्टेस को प्रिपरेशन करने के लिए हम कौन से टाइप के, किस टाइप के बेसिस का व्हीकल का यूज करते हैं वो हम देखेंगे, ओके। तो पेस्टेस को जनरली और मेनली तीन टाइप के बेसिस हम यूज करते हैं पेस्टेस को प्रिपेयर करने के लिए, वो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन बेसिस फर्स्ट, सेकंड होते हैं वाटर मिसिबल बेसिस, और थर्ड होते हैं वाटर इनसोल्यूबल बेसिस, ओके। तो सबसे पहले उसमें आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन बेसिस, जो कि हम पेस्टेस को बनाने के लिए एज अ व्हीकल हम उसको यूज करते हैं, ओके। तो हाइड्रोकार्बन बेसिस क्या होते हैं, ये सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन बेसिस होते हैं, जो कि हम जनरली और कॉमनली पेस्टेस को प्रिपेयर करने के लिए हम उसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट आता है फिर आपके वाटर मिसिबल बेसिस, ओके। तो इसमें वाटर इमिसिबल बेसिस में हम जनरली इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट यूज करते हैं एज अ वाटर मिसिबल बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्टेस, ओके। सिमिलरली ग्लिसरीन यूज करते हैं हम एज अ वाटर मिसिबल बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, ओके। मीन्स ग्लिसरीन और इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट हम वाटर मिसिबल बेसिस के अंदर वाटर मिसिबल बेसिस ऐसा यूज करते हैं पेस्टेस को प्रिपेयर करने के लिए, कि वो वाटर के अंदर इजीली मिसिबल हो जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए, ओके। मींस वो एक यूनिफॉर्म और एक वन फेज मोनोफेजिक वो एक फॉर्म को प्रिपेयर करे, ओके। ये होते वाटर मिसिबल बेसिस। नेक्स्ट आता फिर आपका वाटर सोल्यूबल बेसिस, ओके। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर जनरली हम हाई एंड लो मॉलिक्यूलर जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स होते हैं उसके, उसकी हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कॉम्बिनेशन हम वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर यूज करते हैं और उसको मिक्स करते हैं एक साथ, कि हमको एक डिजायर कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट मिल सके, कि जब भी हम उसको स्किन पे अप्लाई करें तो वो इजिली पूरी स्किन पे मेल्ट हो जाए और पूरी स्किन पे वो स्प्रेड हो जाए, ओके। सो ये जो बेसिस होते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस। और वाटर सोल्यूबल बेसिस ये डेंटल पेस्ट कंटेनिंग नियोमासिन सल्फेट को भी प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और माइक्रोगोल बेस को विथ माइक्रोजेल बेस के साथ हम नियोमासिन सल्फेट को प्रिपेयर करते हैं, किसके अंदर, वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर, ओके। अगर हमको डेंटल पेस्ट अगर बनाना है तो, ओके। देन नेक्स्ट आता फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टेस, ओके। सो पेस्टेस को जनरली हम दो मेथड से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट होती है ट्रैक्चुरेशन मेथड और सेकेंड होती है फ्यूजन मेथड। जैसा कि हम ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो वैसे ही हम पेस्ट को भी इस मेथड के थ्रू, ट्रैचुरेशन एंड फ्यूजन मेथड के थ्रू हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो ट्रैचुरेशन मेथड ये सिर्फ तब यूज करते हैं हम पेस्ट को बनाने के लिए कि तब जो हमारा बेस है वो लिक्विड है या फिर वो सिर्फ
सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ओके तो तब हम ट्रैचुरेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके देन फिर फ्यूजन मेथड हम तब यूज करते हैं जो हमारा बेस है वो सेमी सॉलिड है या फिर वो सॉलिड है। ओके तभी हम फ्यूजन मेथड का यूज करते हैं। ओके सो ये दो मेथड है जो कि जनरली पेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके देन फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पेस्टेस एंड ऑइंटमेंट्स। ओके तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको देखना है कि पेस्ट कैसे होते हैं और ऑइंटमेंट्स कैसे होते हैं। ओके ओके तो पहला डिफरेंशिएट ये होता है पेस्टेस और ऑइंटमेंट्स के अंदर कि जो पेस्टेस होते हैं उसके अंदर ज्यादा अमाउंट होती है पाउडर की, फाइनली पाउडर की, सॉलिड पाउडर की, जैसे कि स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। पेस्टेस के अंदर ये ज्यादा होते हैं फाइनली पाउडर। ओके बट ऑइंटमेंट्स की बात करें तो ऑइंटमेंट्स के अंदर ऐसी मेडिकामेंट्स होती है जो कि जनरली बेस के अंदर इमल्सीफाइड और उसका जो बेस होता है ऑइंटमेंट का बेस उसके अंदर वो डिजोल्व होती है, सस्पेंडेड होती है और या फिर वो इमल्सीफाइड होती है ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर। ओके नेक्स्ट डिफरेंशिएट ये होता है कि पेस्टेस बहुत ठीक होते हैं, गाढ़े होते हैं। ओके और बहुत स्टिफ होते हैं। ओके एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं। ओके मीन्स वो ठीक नहीं होते ज्यादा और ज्यादा स्टिफ नहीं होते। ओके दूसरा डिफरेंशिएट ये आता है कि जो पेस्टेस होते हैं वो लेस ग्रीसी होते हैं, मीन्स ज्यादा चिपचिपे नहीं होते हैं वो, मीन्स इजिली वो रिमूव हो जाते हैं हमारी स्किन से और हमारे हाथों से। ओके आप देखते होंगे टूथपेस्ट हम लेते हैं हाथ में तो वो इजिली रिमूव हो जाता है, बट एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट की बात करें हम तो इट इज मोर ग्रीसी, ये ज्यादा ग्रीसी होता है एज कम्पेयर टू पेस्टेस, ये ज्यादा चिपचिपा होता है। ओके देन नेक्स्ट डिफरेंशिएट ये आता है कि जो पेस्टेस होते हैं ये हम जनरली इनको अप्लाई करते हैं स्पैचुला और स्प्रिट ऑन द लीन की हेल्प से। ओके इसको वैसे हम अप्लाई करते हैं। ओके बट एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स हम इसको सिंपली स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट पेस्टेस जो होते हैं ये हमको प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके देन फिर ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं ये भी हमको एक प्रोटेक्टिव, ये भी एक प्रोटेक्टिव एज हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये हमको प्रोडक्टिव और इमोलियंट इफेक्ट शो करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन्स को। ओके और ये मॉइस्चराइज भी करके रखता है। ओके देन नेक्स्ट आता है फिर स्टोरेज कंडीशन ऑफ पेस्टेस। ओके मीन्स पेस्ट को कैसी कंडीशंस के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए या फिर इसको कैसे इसको स्टोर करके रखना चाहिए। ओके तो पेस्टेस को वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करके रखना चाहिए और उसको कूल प्लेस पर उसको रखना चाहिए। व्हाई? क्योंकि इसमें जो इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है पेस्ट के अंदर वो प्रिवेंट हो सके, वो बच सके, उसे उसको बचाया जा सके। ओके तो इसलिए पेस्टेस को क्लोज कंटेनर के अंदर और कूल प्लेस पर उसको रखना चाहिए। ओके और पेस्टेस को ऐसे कंटेनर के अंदर, ऐसे कंटेनर के मटेरियल्स के अंदर उसको सप्लाई करना चाहिए कि वो मीन्स किसी भी कंटेंट्स को, फॉरेन मटेरियल्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सके या फिर उसको डिफ्यूजन ना कर सके, ऐसे मटेरियल की कंटेनर के अंदर उसको रखना चाहिए। ओके